एक ऐसा राजा जिसने अपने पुत्र के आधे शरीर को ही दान कर दिया। दर्शकों, आपने पौराणिक काल की दान वीरता की कई कथाएं सुनी होंगी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत युद्ध के योद्धाओं में अंगराज कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर माना जाता है। लेकिन दर्शकों, आज मैं आपको कर्ण के समानकालीन ही एक ऐसे दानवीर राजा की कथा बताने जा रही हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस महान राजा ने अपने पुत्र के आधे शरीर को ही दान कर दिया था। कथा के अनुसार कर्ण के समय हैहय वंश के राजा मोरध्वज हुआ करते थे। मोरध्वज कौशल राज्य के नरेश थे जिसके राज्य की राजधानी आरंग थी। ऐसा माना जाता है कि इनकी राजधानी का नाम आधे अंग को आरे से काट जाने के कारण पड़ा था। महाभारत ग्रंथ के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय मिलने के बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ को सफल बनाने के लिए एक अश्व को स्वतंत्र छोड़ दिया गया था। इसी क्रम में जब वह अश्व कई राज्यों से होता हुआ कौशल राज पहुंचा तो उसने राजा मोरध्वज ने उनको पकड़ लिया। यह खबर जब पांडु पुत्र अर्जुन के पास पहुंची तो वे क्रोधित हो उठे और कौशल राज पर चढ़ाई करने के लिए अपनी सेना को तैयार करने लगे। यह देखकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, हे अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि कौशल नरेश मोरध्वज मेरे बहुत बड़े भक्त हैं? इतना ही नहीं, वो युधिष्ठिर के समान धर्म पालन, भीमसेन के समान बलशाली, तुम्हारे समान कुशल धनुर्धर, नकुल के समान सुंदर और सहनशीलता में सहदेव के समान है, इसलिए उन्हें तुम युद्ध में आसानी से पराजित नहीं कर सकते। कृष्ण की मुख से यह बात सुनकर मोरध्वज के लिए ऐसी बात सुनकर पहले तो अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ, फिर उन्होंने कहा कि नारायण, आप कहें मैं क्या करूं? नारायण, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, लेकिन मैं मोरध्वज से मिलकर खुद इस व्यक्तित्व को देखना चाहता हूं। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण की बातों को अर्जुन ने स्वीकृति देते हुए कहा, जैसी आपकी आज्ञा। उसके बाद श्री कृष्ण ने अपना माया से अर्जुन को सिंह बना दिया और खुद एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। फिर दोनों कौशल नरेश मोरध्वज के द्वार पर पहुंचे। उधर अपने दरबार में एक ब्राह्मण को देख राजा मोरध्वज जैसे ही उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े, वैसे ही ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण ने उन्हें रोकते हुए जोर से कहा, हे राजन, मेरा ये सिंह बहुत दिनों से भूखा है, इसके खाने के लिए मांस चाहिए। राजा मोरध्वज ने कहा, हे ब्राह्मण, आप क्रोधित ना हो, मैं अभी इसके लिए भेड़ बकरी की व्यवस्था कर देता हूँ। जिस पर ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, हे मूर्ख राजन, यह कोई साधारण सिंह नहीं है जो भेड़ बकरियों का मांस खाएगा, इसके खाने में केवल इंसान के दाहिने हिस्से का मांस चाहिए होता है। ब्राह्मण की बात सुनकर मोरध्वज बिना किसी देरी के अपने शरीर के दाहिने भाग का मांस देने के लिए तैयार हो गए। परंतु ब्राह्मण ने मोरध्वज से कहा कि हे राजन, लेकिन मेरे सिंह को तुम्हारे पुत्र के शरीर के दाहिने अंग का मांस चाहिए। यह सुनकर राजा और रानी दोनों भावुक उठे। उसी समय राजा मोरध्वज का बेटा राजकुमार ताम्रध्वज दरबार में प्रवेश ही कर रहा था। उन्होंने ब्राह्मण की सारी बातें सुन ली। उसके दरबार में आते ही कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपना दाहिना अंग देने के लिए तैयार हूँ। यह सुन ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ। फिर ब्राह्मण ने एक और शर्त रखते हुए कहा कि राजकुमार ताम्रध्वज के आधे अंग को काटने के लिए राजा और रानी दोनों ने मिलके आरी चलानी शुरू की। कृष्ण रूपी ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा मोरध्वज ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपकी आज्ञा शिरोधार है। उसके बाद राजा ने सेवकों को तत्काल आरी लाने का आदेश दे दिया। राजा की आज्ञा पाते ही सेवक गण तुरंत आरी ले आए। उसके बाद राजा और रानी ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरी से बीचों बीच विभाजित करना आरंभ कर दिया। तभी ब्राह्मण ने देखा कि राजकुमार के बाएं अंगों से आंसू बह रहा था।
इससे क्रुद्ध होकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा सिंह रोते हुए राजकुमार का मांस नहीं खा सकता। यह सुन राजकुमार ताम्रध्वज ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं नहीं रो रहा हूँ, ये तो मेरा बाया अंग रो रहा है कि वो कितना बड़ा अभागा है कि वह आपके काम नहीं आ सका। राजकुमार के इतना कहते ही श्री कृष्ण और अर्जुन अपने वास्तविक रूप में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राजकुमार ताम्रध्वज के सर पर अपना हाथ फेरा, जिसे राजकुमार के अंग पहले की भांति स्वस्थ हो गए और उसके पक्षात मोध्वज और रानी को भी ऋषि श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दे दिया। फिर कौशल नरेश ने अधमेघ यज्ञ का घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन वहां से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर गए। दर्शकों, महाभारत में यह घटना जहां पर घटी वह स्थान आज भी आरंग के नाम से ही जाना जाता है। यह कस्बा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी की एक ऐसा राजा जिसने अपने पुत्र के आधे शरीर को दान कर दिया था जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ। नहीं घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करने लगेंगे, सभी रिश्ते नष्ट होने लगेंगे और जब आतंक अपनी चरम सीमा में होगा तब श्रीहरि कल की अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और उनके बाद एक बार फिर से नए युग सतयुग का आरंभ होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी तक युग परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है और वर्तमान युग के समाप्त होने के बाद
ये अपने 23वें चक्र में प्रवेश करेगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी कैसे हुआ चारों युगों का आरंभ जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियां।